नमस्कार। अभी जो समय है, जिस टाइम पे सभी हम अपने अपने घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन है, आइसोलेशन में है, कोई प्रॉब्लम हमें बॉडी में है या नहीं है, लेकिन जो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, खास तौर पे जिससे कोई भी वायरस हमारी बॉडी को पकड़ता है, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना वायरस ही हमें अगर पकड़ रहा है, तो उसके लिए हमारा श्वास का ठीक से अंदर जाना, बॉडी को ऊर्जा देना, शरीर को ऊर्जा देना, और फिर श्वास का ठीक से बाहर आना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके आना, ये बहुत जरूरी है। और अगर हमें किसी तरह का कोई वायरस पकड़ता है, तो ये थोड़ा सा श्वास की जो कंजेशन है, जो ब्रेथलेसनेस है, श्वास का जो उखड़ना है, वो शुरू होता है। तो इसके लिए हमारे इस लंग्स की एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ योगिक क्रियाएं हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग की प्राणायाम्स हैं, जो कि लंग्स की एक्सपेंशन को बढ़ाएंगे। तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स की जो हमारे लंग्स की एक्सपेंशन को बढ़ाएंगे। जितना आपसे हो उतना ही करें। बैठने का पोस्चर ध्यान रख लें, या तो आप ऐसे बेड पे, दीवान पे, कुर्सी पे कहीं बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं कि पैर फोल्ड करके ही बैठना है। बस इतना सा ख्याल रखना है कि आपकी पीठ जो है वो सीधी रहे, 90 डिग्री के कोण पे रहे। ज्यादा अकड़ के भी नहीं बैठना, ज्यादा ऐसे गोल हो के भी नहीं बैठना, कोशिश करना है कि पीठ सीधी रहे, ऐसे बैठना है। जो लोग लेग क्रॉस करके बैठ सके वो लेग क्रॉस करके बैठ जाए, और लेग क्रॉस करके जो थोड़ा इजीली बैठ सके किसी योग के आसन में, वो योग के आसन में बैठ जाए। जैसे आपका मन करे वैसे बैठिए, लेकिन ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं लंग्स की एक्सपेंशन की, अपर बॉडी की, यानी कि नाभि से ऊपर, फेफड़ों से ऊपर वाला रिब केज है, जो ये रिब केज जो हड्डियां दिख रही हैं, पसलियां दिख रही हैं, इससे ऊपर ऊपर का जो रीजन है, ये फैलना चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इतना सा ख्याल रखना है। तो इसको हम शुरू करते हैं। अभी अभी हम किसी भी ऐसे आसन में बैठ जाएं, पीठ सीधी करके बैठ जाएं, अगर लेग क्रॉस करके बैठना चाहते हैं तो लेग क्रॉस करके बैठ जाएं, पीठ को थोड़ा सीधा हो रख लें, कंफर्टेबल हो, ये ध्यान रखना है। हाथ घुटनों पर रख लें या गोद में रख सकते हैं, दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे उसी अवस्था में रखें। सबसे पहले देखना है कि श्वास को, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, जा रही है। इसको आंखें खोल के भी देख सकते हैं, आंखें बंद करके भी, दोनों में से जो लगे श्वास को देखें थोड़ी देर। और धीरे धीरे फिर श्वास को गहरा करें, श्वास अंदर गहरी जाने दें, धीरे धीरे बाहर आने दें। धीरे धीरे करें, बस ज्यादा गहरी भी नहीं, ज्यादा तेज भी नहीं, बस आराम से जितना कर सकें। श्वास नॉर्मल हो जाने दें। जैसे ही श्वास नॉर्मल हुई, श्वास के प्रति देखते रहना है, श्वास को फोर्स के साथ बाहर छोड़ना है। लंग्स में थोड़ी हीट क्रिएट हो, तो षट क्रिया है इसके, हम कपालभाति कहते हैं। कपालभाति करना है बहुत आराम से, बहुत लाइटर स्टॉक, श्वास को एक लय में फोर्स के साथ बाहर छोड़ना है, बिल्कुल आराम से ऐसे। जैसे ही श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। इसको 20 से 30 बार करें, साथ में करें।
रिलैक्स, लंबी सांस लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ दें बाहर, दो बार गहन श्वास, ये आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी, जैसा उचित लगे। आंखें बंद करके करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, मन साथ जुड़ा रहेगा। ऐसे ही कपालभाति के 30 स्ट्रोक्स और करेंगे, 30 बार और करेंगे हम कपालभाति को। ऐसे ही शुरू करें, रिलैक्स, श्वास गहरी, धीरे धीरे श्वास बाहर, दो बार और गहरी श्वास। तीसरे राउंड में कोशिश करेंगे कि इसकी बजाय हम इसे 40 बार करें। तो कपालभाति में श्वास छोड़ना शुरू करें, रिलैक्स, गहरी श्वास, फिर से श्वास धीरे धीरे भीतर गई, धीरे धीरे श्वास बाहर आने दें। तो कपालभाति के इस तरह से 2 से 3 राउंड आपने करने हैं। एक राउंड कपालभाति का हम और करेंगे। ये राउंड उन लोगों के लिए जो थोड़ा ठीक से कर सकते हैं, रेगुलर कर रहे हैं, खास तौर पे थोड़ा तेज करेंगे इसे, 50 से 60 बार, 70 बार तक कर सकते हैं इसको आप। तो जो नहीं कर सकते वो धीरे धीरे ही करें, और जो तेज कर सकते हैं उस राउंड के साथ एक राउंड हम तेज करेंगे, एक चक्कर तेज का करेंगे। कपालभाति शुरू करें, 50 से 60 बार, थोड़ा तेज करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें, जो नहीं कर सकते जो कर सकते हैं वो तेज करें। रिलैक्स,
गहरी श्वास 3 से 5 बार, धीरे धीरे श्वास भीतर जाने दें, धीरे धीरे श्वास बाहर। श्वास गहरी करें 2 बार और। कपालभाति क्या करता है? कपालभाति शटक्रिया है और ये हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करता है। कपालभाति यानी कि हमारे स्कल रीजन पे एयर का प्रेशर आता है, तो इस रीजन को, सांस के इस रीजन को नाक से लेकर फेफड़ों के एंड तक, एयर सैक एलोवेलाई तक, जहां पे हमारी श्वास जाती है और खून के ठीक सीधा सीधा संपर्क में आती है, इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन जिसको कहते हैं हम, तो वहां हीट क्रिएट होती है। और जितनी हीट क्रिएट होगी, गर्मी पैदा होगी लंग्स में, उतने ही कफ जो म्यूकस है वो नहीं बढ़ेगा, और जितने टॉक्सिन्स बैक्टीरिया जो भी वेस्ट पदार्थ है वो श्वास के थ्रू बाहर फेंक देंगे। दूसरा, इससे हमारे पेट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नाभि में हीट क्रिएट होती है, तो पूरी बॉडी में गर्मी पैदा होती है, और गर्मी जहां होगी वहां म्यूकस नहीं होगा, म्यूकस नहीं होगा वहां किस तरह का कोई वायरस नहीं आएगा। तो ये पहला अभ्यास था। दूसरा अभ्यास हम करेंगे हाथों की मूवमेंट के साथ फेफड़ों का फैलाव, श्वास के साथ ऊपर आने दे, ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे, कोहनिया में उड़ के रखनी है, कोहनिया सीधी नहीं करनी, श्वास के साथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरे पूरा, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास आप 10 से 15 या 20 बार कर सकते हैं। कम समय है तो कम करें, ज्यादा समय है तो ज्यादा, और ज्यादा जरूरत है, फेफड़ों में कुछ कंजेशन लग रही है, कुछ दबाव लग रहा है, तो इसको 15 से 20 बार कर लें, करें आराम आराम से ही। जिनको बीपी हाई हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो सब कर सकते हैं, ये सब के लिए बेनिफिशियल है। कुछ डायनामिक एक्सरसाइजेस होंगी जो आगे बताऊंगा मैं, वो नहीं करनी है। दूसरा अभ्यास इसमें क्या करना है, इसमें तो हाथ मुड़े हुए थे, अब हाथों को सीधा करके सामने से ऊपर ले जाना है, बिल्कुल सीधे, श्वास छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आना है, इसे 10 बार करते जाओ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास पूरा भरना, सिर्फ हाथ ही नहीं चले, 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी सांस ले लें, गिनती एक आध आगे पीछे होगी तो कोई बात नहीं, 10 से 15 20 बार इसे आप कर सकते हैं। इसके बीच में फिर श्वास की गहराई 2 से 3 बार अच्छे से ले लें, जैसे हाथों की मूवमेंट करेंगे बॉडी में हीट क्रिएट होगी, थोड़ी थकावट होगी, तो बीच में रुक के गहरे गहरे श्वास लेते रहे, 2 3 2 3। अब इसको आगे की तरफ करना है, आगे कैसे करना है, साइड से ऐसे हाथ ऊपर जाने देने, और साथ साथ गर्दन हल्की सी पीछे, हथेलियां आपस में देखते हो एक दूसरे को, गर्दन थोड़ी पीछे कर दे, श्वास छोड़ते हो सामने से नीचे आ जाए, इसे 10 बार करते हैं, चलिए, 1 श्वास छोड़ो सामने से नीचे, 2 छोड़ते हुए नीचे, 3 छोड़ते हुए नीचे, 4 श्वास भर के ऊपर, छोड़ते हुए सामने से नीचे, 5 सामने से नीचे, 6 सामने से नीचे, 7 सामने से नीचे, 8 सामने से नीचे, 9 सामने से नीचे, और ये 10 सामने से नीचे। इसका अभ्यास भी आप
10 से 15 बार 20 बार कर सकते हैं। ध्यान यही रखना है फेफड़ों में पूरा फैलाव हो, छाती हमारी पूरी फूले, जैसे ही हाथ ऊपर जाएंगे ये छाती पूरी खुलती है, फेफड़े पूरे फैलते हैं, पूरी श्वास भरते जाए, श्वास छोड़ते हो सामने से नीचे इस तरह से। तो ये था तीसरा अभ्यास, बीच में गहरी श्वास ले ले अच्छे से। अगला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम के बाद उसे करना है, उसको पहले एक दो बार बता देता हूं मैं कैसे करना है। फिंगर्स को अपनी उंगलियों का आपस में फंसा लेना है, लॉक करना है, हथेलियां नीचे की तरफ। इसे हम आधा ताड़ासन भी कहते हैं और थोरेसिक ब्रीथिंग के साथ भी करते हैं इसको। थोरेसिक ब्रेथ होती है इससे, वक्षीय श्वसन, श्वास भरते ऊपर, यहां पे शरीर को थोड़ा खींचना है ऊपर, ये जो रीजन है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना ताकि छाती जो है और फूले, श्वास पूरा भर दे, श्वास छोड़ दे, साइड से नीचे आ जाए, फिर से लॉक, भरे, श्वास छोड़ दे साइड से नीचे, फिर श्वास भरे छोड़ते हुए नीचे, गहरी श्वास ले ले एक दो बार, धीरे धीरे छोड़े। अगला अभ्यास करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें आपने श्वास के साथ हाथ ऊपर जाने देने हैं, हथेलियां सामने रहेंगी, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे, हथेलियां अंदर की तरफ हो जाएंगी, मुट्ठी बंद, यानी कि कपालभाति में श्वास सिर्फ छोड़ रहे थे फोर्स के साथ, इसमें लेना भी फोर्स के साथ है और छोड़ना भी फोर्स के साथ, थोड़ा दबाव के साथ, यानी खींचना है श्वास अंदर और पूरा जोर लगा के बाहर की तरफ फेंकना है। चेहरा ढीला रखना है, गर्दन ढीली रखनी है, कंधे ढीले रखने हैं, बिल्कुल श्वास के साथ ऊपर, श्वास छोड़ दे। इसको जब करेंगे तो अगर थोड़ा बहुत कोल्ड है, नाक बंद है या वैसे ही नाक में म्यूकस है तो वो बाहर आएगा, उसको रोकना नहीं, तो अपने पास में हैंकी रखें और जब म्यूकस बाहर आए तो उसको साफ कर ले। तो म्यूकस को रोकना भी हमारा मेन पर्पस है, लंग्स में, गले में, साइनस रीजन में, नाक में हीट क्रिएट हो और हीट से जो म्यूकस बना हुआ है वो बाहर आएगा, तो उसको आने देना है, रोकना नहीं है। ध्यान रखें कि वो म्यूकस किसी दूसरे पे ना गिरे, इसीलिए कोशिश करें अकेले में करें तो ज्यादा अच्छी बात है, खासतौर पे जिनको जुकाम है या नाक जिनका बंद है वो खासतौर पे अकेले में करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे हम, इसे 20 बार ही करेंगे लेकिन आराम आराम से, श्वास के साथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, शुरू करें। रिलैक्स, फिर उंगलियां लॉक कर दें, हथेलियां नीचे की तरफ, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते साइड से नीचे ले आए हाथ, फिर श्वास भरते ऊपर जाने दें, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए, श्वास भरते ऊपर जाने दें, फेफड़े पूरे फैलने दें, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। तो इसका ये एक चक्कर हुआ, इसके हमने 3 चक्कर करने हैं, तो दूसरा चक्कर 20 बार, फिर तीसरा चक्कर हम थोड़ा सा तेज करेंगे। तो अभी हम दूसरा चक्कर शुरू करते हैं 20 बार, फिर से 20 नहीं होते 15 कर लें, 10 कर लें, लेकिन धीरे धीरे करते करते इसकी स्पीड को हमने बढ़ाना है, तभी बॉडी में हीट क्रिएट होगी। अभी हम दूसरा चक्कर करते हैं, चलिए।
रिलैक्स करें, फिर से लॉक, श्वास भरते ऊपर, पूरे फेफड़ों को फैलने दें, श्वास छोड़ते साइड से नीचे आ जाएं, फिर श्वास भरते ऊपर जाने दें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार कर दें इसे, आप श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहां तक जिनको बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो सारे इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। जितना लगे कि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो और धीरे कर दें, लेकिन यहां तक सब कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। इसके बाद जो हम तीसरा चक्र कर रहे हैं, थोड़ा तेज कर रहे हैं, तेज में जो सात तेज कर सकते हैं वो तेज करें, कोशिश करना है 30 से 40 और थोड़ा तेज करने की कोशिश करें। मेरे से जितना तेज होता है मैं आपको करके बता देता हूं, आपने अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है, मेरे को देख के नहीं करना। तो धीरे धीरे इसके चक्र को हमने बढ़ाना है, शुरू करते हैं 30 से 40 से 50 बार। ये 50 बार हो गया, फिंगर्स लॉक कर दें, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते साइड से नीचे ले आए, फिर श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते साइड से नीचे, श्वास पूरा भरे अच्छे से भरते ऊपर, फेफड़े फैलने दें, पूरी ऑक्सीजन जाने दें फेफड़ों के भीतर, ऊर्जा मिलने दें, श्वास छोड़ते साइड से हाथ लीजिए और श्वास हल्की गहरी कर लें। इसके बाद श्वास ज्यादा गहरी नहीं होगी, हल्की सी गहरी बस। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद जो हीट क्रिएट हुई बॉडी में, ब्रेथलेसनेस हुई, उसको थोड़ी देर शांत होने दें, हल्के हल्के श्वासों को गहरा करें, थोड़ी थोड़ी गहरी, जैसे जैसे श्वास गहरी होती जाए जो हीट क्रिएट हुई थी वो भी धीरे धीरे शांत होती जाएगी। फिर भी हीट को और कैसे शांत करें, हमारी जो नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि कैसे करें, हीट तो क्रिएट हो गई, विकार भी अंदर से बाहर निकल रहा है, कुछ टॉक्सिन्स बैक्टीरियास भी बाहर निकल रहे हैं, और नाड़ियों की शुद्धि कैसे करें ताकि हमारा इम्यून सिस्टम से मजबूत हो, शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी है, उसको कैसे इंक्रीज करें, WBC को कैसे इंक्रीज करें, तो उसके लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसे हम राउंड से कर सकते हैं काउंट करके, या टाइम देख के, राउंड से कर लें, टाइम देखेंगे तो बार बार घड़ी की तरफ ध्यान जाएगा, तो इसलिए राउंड के साथ करते हैं। कैसे करना है, एक नाक से बाई नासिका से श्वास लेना है, दाई से छोड़ देना है, फिर दाई से लेना है, बाई से छोड़ देना है, लेफ्ट इनहेल करना है, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल करना है, लेफ्ट एक्सहेल। सांस लेने के बाद श्वास को थोड़ा सा रोकना, हल्का सा, लेफ्ट इनहेल, थोड़ा रोका सांस को अंदर, राइट एक्सहेल, फिर राइट से सांस लिया थोड़ा रोका, लेफ्ट एक्सहेल, बाई से सांस लिया रोका, दाई से बाहर, दाई से लिया रोका, बाई से बाहर। तो जितना का आराम से रोक सकें, बिल्कुल आराम से, उतना ही रोकें, रोकें जरूर। जिनको बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम, अस्थमा है, वो सांस नहीं रोकेंगे, बाकी सभी सांस रोक सकते हैं। तो शुरू करते हैं, दो उंगलियां पहली माथे में रख लीजिए, तीसरी उंगली और अंगूठा नाक को पकड़ने के लिए, ऐसे मुद्रा बन जाएगी नासिक मुद्रा। तो इसको दो को माथे पे और दो उंगलियां नाक पे, तो बाईं से श्वास ले, हमने सिर्फ 10 सांस लेने, 10 ब्रेथ,
श्वास गहरी लगातार श्वास रोकें, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। इसमें श्वास ना रोके तो यह अनुलोम विलोम, और रोकते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बन जाता है। बाई नासिका से श्वास बाहर छोड़ के फिर रिलैक्स करें, विश्राम करें। श्वास को गहरा करें 2 से 3 बार। इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसके अंदर श्वास रोकते हैं उसको, ये प्राणायाम नाड़ी शोधन बन जाता है। अब जो आखिरी अभ्यास है इस प्रक्रिया का, वो कैसे करना है। अभी हमारी श्वास जो बॉडी में हीट क्रिएट हुई वो थोड़ी शांत हुई, संतुलन बना शरीर में और अच्छे से। तो अभी हमने मन की, जो हमारा मन चलता है ना, उसमें कोई ना कोई विचार आता है कि हाय अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे, तो ये विचारों को थोड़ा शांत करता है, प्रकृति के सिस्टम को समझने में मदद करता है। हम मकार का उच्चारण करेंगे, अकार उकार और मकार, अ उ म ओम। तो अभी हम सिर्फ म की गूंज करेंगे, श्वास नाक से जाएगी, नाक से ही बाहर आएगी, होंठ बंद रहेंगे, गहरी श्वास भरते हुए जितना हो सके लंबा करना है। इसे 7 बार हम करेंगे, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक बार 7 बार ही करेंगे। तो गहरी श्वास लें भीतर, श्वास भरते हुए
दो से तीन बार गहरी श्वास, शांत श्वास। इसके बाद 2 मिनट तक या तो साइलेंस शांत बैठे रहें या किसी भी आराम के आसन में लेट जाएं। सब कुछ अपने आप शांत होने दें। गले में, मस्तिष्क में हुई गूंज, उससे हुई कंपन, अपने ही कंपन का आभास, इसे अपने आप शांत होने दें। गहरी और शांत श्वास 1 से 2 बार फिर से। हाथ प्रणाम मुद्रा में ले आए उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु गॉड, जिस भी रूप में हम विश्वास रखते हैं उसमें, उसका इस सुंदर जीवन के लिए, उस प्रकृति का इस सुंदर शरीर, श्वास, श्वासों के माध्यम से चल रही प्राण ऊर्जा, जीवन में जो भी क्षण हमें मिले हैं उन सब के लिए उस प्रकृति का, ईश्वर का धन्यवाद, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। हथेलियां रगड़ लें, आंखों के चेहरे की मसाज कर लें आराम से। धन्यवाद। ये जो हमने अभ्यास किया, इसका अभ्यास सुबह शाम दोनों टाइम करें तो बहुत अच्छी बात है।